हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो करंट न्यूज है आज की, भारत के दो नए समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। क्या होता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, क्यों दिया जाता है, किन किन बीचेस को दिया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का संबंध किससे है, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट सवाल पूछा गया था कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, बीचेस जो होते हैं आपके, समुद्री बीच होते हैं, उनसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का संबंध होता है। जो जितना ज्यादा क्लीन बीच होते हैं, कुछ इसके पैरामीटर होते हैं जिनके आधार पर उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि क्लीन बीच है, उसके आधार पर उनको सर्टिफिकेशन मिलता है। तो जो ज्यादा क्लीन बीच होगा उसको जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो ब्लू फ्लैग होता क्या है वो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, लगभग 33 पैरामीटर्स होते हैं। उनके मानकों पर यदि कोई बीच खरा उतरता है, मतलब वहाँ पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, कुछ ये पैरामीटर्स होते हैं, तो उसको जो है अगर इन पैरामीटर्स पर खरा उतरता है कोई बीच, तो उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है। एंड एनवायरमेंटल अवार्ड फॉर बीचेज मरीन्स एंड बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स, जो यहाँ के टूरिस्ट जो है, क्योंकि जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल जाता है जिन बीचेस को, वहाँ पर टूरिज्म बढ़ जाता है, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है, ये बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, देखिए 33 स्टैंडर्ड्स होते हैं इसमें, टोटल के टोटल 33 स्टैंडर्ड्स पर यदि कोई भी आपका खरा उतरता है तो उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो 33 आपके से स्टैंडर्ड होते हैं, वाटर क्वालिटी सही होनी चाहिए, सेफ्टी, इन्वायरमेंटल, एजुकेशन और इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन। दिया किसके द्वारा जाता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क की संस्था है, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है FEE, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसके द्वारा ये सर्टिफिकेशन आपका दिया जाता है। डेनमार्क की संस्था है, याद रखना है आपको। इसके अलावा ब्लू फ्लैग जो है इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें आपको क्या किया जाता है, जैसे जो भी देश इसके बीच होते हैं, हमारे जो कंट्रीज के बीच होते हैं, इसमें एप्लीकेशन वगैरह होता है, उसके बाद इसको नेशनल ऑपरेटर उसको मेल किया जाता है, उसके बाद उसमें होता क्या है, नेशनल ज्यूरी होती है, इंटरनेशनल ज्यूरी होती है, वो इसको डिसाइड करती है, और जो इंटरनेशनल ज्यूरी का डिसीजन होता है उसी पर ये चीजें जो है इनका निर्णय लिया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ब्लू फ्लैग का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप समझ लीजिएगा किस तरीके का। ब्लू फ्लैग में जो इंटरनेशनल ज्यूरी होती है वो इसको डिसाइड करती है कि किस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा, वाटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, तो इसीलिए इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टूरिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी में एक तरीके से बूस्ट अप मिलता है। तो बीचेस कुछ इस तरीके के होने चाहिए जहां साफ सफाई हो, प्लास्टिक पोल्यूशन ना हो, कचरा ना हो, वाटर एकदम प्योर होना चाहिए, वाटर एकदम क्लीन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके के जो बीचेस होते हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से नवाजा जाता है। ये आपके सामने है, कुछ और बीचेस मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये इस तरीके के जो ब्लू बीचेस रहते हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में शामिल किया गया। तो अब तक भारत के कितने बीचेस इसमें शामिल थे, तो वर्ष 2020 में 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में शामिल किया गया था, लेकिन अब 2 नए बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो अब टोटल जो संख्या हो गई है आपकी, वो टोटल संख्या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की टोटल संख्या जो है वो आपकी बढ़ करके 8+2 10 हो चुकी है। तो 10 बीचेस भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त है। 2020 में जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन थे वो 8 थे, अब 2 नए बीच मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। आप देख लीजिएगा कुछ उस तरीके के साफ सफाई बीचेस में यदि रहती है तो ये पैरामीटर्स आपके रहने चाहिए, उसके आधार पर इनको दिया जाता है, ये देखिएगा। इसके अलावा इंडियन बीचेस जो है आपके, 8 बीच कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिएगा। सबसे नंबर वन पे है आपका ये जो 8 बीच 2020 में जिनको दिया गया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, शिवराजपुर द्वारका गुजरात का ये बीच है आपके सामने, और ये नेक्स्ट नंबर जो है आपका घोंगला, ये दमन एंड दीव में आपका है, और कसरगोड ये जो है आपका कर्नाटका का बीच है। इसके अलावा आपके सामने ये है पदुबिद्री, ये कर्नाटका में है, और कप्पड़ ये आपका केरला में बीच स्थित है। इसके अलावा ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में हो जाता है, गोल्डन पुरी उड़ीसा, और राधानगर याद रखना है अंडमान निकोबार, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि राधानगर अंडमान निकोबार कहाँ पर बीच कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा इनकी लोकेशन यदि आप देखना चाहते हैं देख लीजिएगा, मैप वाइज आपको दिखाई देगा, शिवराजपुर द्वारका बीच, ये द्वारका गुजरात में पड़ता है। उसके अलावा ये अगला है आपके सामने घोगला बीच, त्यू में पड़ता है वो, ये आपके सामने भोगवा बीच है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर कर्नाटका में है, और मेरा ये अगला बीच जो है वो गोवा में पड़ जाता है, और देखिए कप्पड़ बीच ये आपके सामने केरला में है,
इसके अलावा जो नए दो नए बीच बने हैं, एक तो कोवलम बीच जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ईडन बीच जो पुडुचेरी में, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो टोटल संख्या 10 हो चुकी है। गोल्डन बीच आपके सामने है, ये हो गया। उसके अलावा राधानगर बीच जो कि मैंने अंडमान निकोबार में बताया, तो ये 10 बीच है, टोटल संख्या 10 हो चुकी है। आप देख लीजिएगा मैप वाइज में, आपको बता चुका हूँ कि शिवराजपुर आपका शिवरपुर है, ये द्वारका में हो जाता है घोगला। देखिए दो नए बीच मिले बने हैं, आपको दोनों का दोनों याद रख नाम याद रखने हैं। कोवलम बीच है और आपका ईडन बीच जो कि पुडुचेरी में स्थित है, दोनों बीच आप याद रखिएगा। ये आपके सामने है ईडन बीच, ईडन बीच देखिएगा पुडुचेरी में। पुडुचेरी के बारे में बात करूं, पुडुचेरी जो था वो आपका फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। पुडुचेरी फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। इसमें चार जिले हैं, आपको याद रखने चार जिले हैं। चार जिले देखो इस तरीके से, यहाँ देखिएगा चार जिले पुडुचेरी एक राज्य में नहीं स्थित, तीन राज्य में स्थित। एक जिला यहाँ पर पड़ता है आंध्र प्रदेश में, यनम जिसका नाम है। तो यनम जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में एक जिला है। उसके अलावा दो जिले और, तीन जिले आपके और बसते हैं। तीन जिले और कौन कौन से, एक कराईकल होता है, पुडुचेरी होता है, और एक केरला में जो आपका इनका जिला डिस्ट्रिक्ट जो इनका स्थित है, चार इसके जिले हैं। तो यनम, कराईकल, पुडुचेरी और माही, चार जिले आपको याद रखने हैं पुडुचेरी के। पुडुचेरी का जो द्वीप शामिल हुआ है वो आपका ईडन बीच शामिल हुआ है, आप देख लीजिएगा। ये इसमें इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है इस वजह से। और पुडुचेरी के एक और खास बात मैं आपको बताऊं, अभी अभी यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं और नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन बने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिएगा कोवलम बीच, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ये देखिएगा इस तरीके की साफ सफाई भी रहती है बीच के ऊपर, तो इसको क्या दिया जाता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है। तो वही है आपके सामने कोवलम बीच जो कि तमिलनाडु में स्थित है, आप देख लीजिएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम मैं बताऊं, यहाँ पर भी जो पांच राज्यों के इलेक्शन हुए थे तो मुख्यमंत्री चुने गए थे एम के स्टालिन जो कि डीएमके पार्टी से है। यूपीपीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि एम के स्टालिन किस पार्टी से है, तो डीएमके, डीएमके जो पार्टी है वो इनकी पार्टी। तो कोवलम बीच तमिलनाडु में स्थित है। तो मैंने आपको आठ बीच पहले वाले वो बताए और दो बीच नए आपको याद रखने हैं। एक तो आपका हो जाता है कौन सा, ईडन बीच कहाँ स्थित है, पुडुचेरी, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आपका दूसरा बीच है कोवलम बीच, कोवलम बीच जो है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। दोनों बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है, इसलिए इन चीजों को याद रखना है। वीडियो आप बताइएगा दोस्तों कैसी लगी, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।